प्यारे बच्चों, इस कोरोना महामारी के दौरान आप ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा रहे हैं और पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई है और आप इसके द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में, यानी रेशम रेशा की प्राप्ति जिस कीट द्वारा होती है, जिसको रेशम का कीट या सिल्क वर्म कहते हैं। इसके लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के बारे में आप पढ़ेंगे। अब रेशम के जीव की उत्पत्ति कैसे होती है और रेशम का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। रेशम कीट की जो मादा कीट होती है वह शहतूत की पत्तियों पर आंतरिक भाग में अंडे देती है और ये अंडे एक चिपचिपे पदार्थ के कारण पत्ती से चिपके रहते हैं। उसके बाद इन अंडों को सेने के लिए एक कृत्रिम अंडा सेने वाला यंत्र लगाया जाता है। यह यंत्र इस रेशम कीट के अंडों को सेने का कार्य करता है और जब ये अंडे सेते समय इसमें से एक डिंब निकलता है, जिसको आप इल्ली भी कर सकते हैं, ये इस अंडे से बाहर निकलती है और ये इल्ली या डिंब जो निकलती है वो बहुत ही भूखी होती है और उससे अंडे से निकलते ही यह शहतूत की टूटी हुई पत्तियों या बिना टूटी हुई पत्तियों को खाना प्रारंभ कर देती है और इस इल्ली की लंबाई जो है बहुत तीव्रता से बढ़ती है, यह 8 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और यह अंगुली के समान मोटी हो जाती है बढ़ करके और इसके द्वारा शहतूत की पत्तियां जो है 5 से 6 सप्ताह तक खाई जाती है। बच्चों, ये रेशम कीट के जीवन चक्र का पहला चरण है। इसके बाद इसके प्यूपा का निर्माण होता है, उसको मैं आप अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।